Good morning, class 2. How are you? I hope you all are doing good. So today is our moral values class. Take out your book, page number 4646, chapter 7. Mom, can we help them? Mom, can we help them? And the value we will get is of kindness. So let's get ready. In the heart given below, write any two ways in which you can make someone happy. यहाँ पे जो हार्ट दे रखा है, इसमें आपको दो तरीके लिखने हैं जिससे आप दूसरों को खुशी दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, बाय स्माइलिंग एट समवन, कॉमा बाय टॉकिंग टू समवन न्यू, बाय शेयरिंग योर फूड, बाय हेल्पिंग अदर्स. एनी टू जो आपको ध्यान में आते हैं तरीके जिससे आप दूसरों को हैप्पी कर सकते हो. दिस यू हैव टू राइट इन दिस हार्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. वन डे लीना वॉज गोइंग टू स्कूल विद हर मदर. एक दिन लीना अपनी मदर के साथ स्कूल जा रही थी. अलॉन्ग द रोड साइड, रोड साइड के आस पास में शी सॉ अ स्मॉल गर्ल सिटिंग क्वाइटली. उन्होंने देखा एक लड़की चुपचाप बैठी है. मदर, वाई इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल? मम्मा ये स्कूल क्यों नहीं जा रही है? लीना आस्क्ड हर मदर. लीना ने अपनी मम्मा से पूछा. वेल, लेट्स गो फाइंड आउट लीना. तो उसकी मदर ने कहा, चलो लीना हम लोग जाके पता करते हैं क्या बात है. शी स्टॉप द कार. उसने कार रोकी. एंड दे वॉक टू वेयर द गर्ल वॉज सिटिंग. अब ये लोग कहाँ गए? कार से उतर के वहाँ गए जहाँ पे वो उदास लड़की बैठी थी. कमिंग ऑन पेज नंबर 4747. वॉट इज योर नेम? आपका नेम क्या है? वाई आर यू सिटिंग अलोन हेयर? यहाँ पे आप अकेले क्यों बैठे हो? लीना आस्क्ड द गर्ल. लीना ने उस लड़की से पूछा. माई नेम इज राधा. मेरा नाम राधा है. आई कम हेयर विद माई मदर एवरी डे. मैं अपनी मम्मा के साथ यहाँ पर रोज आती हूँ. माई मदर क्लीन्स द रोड. मेरी मम्मा यहाँ पे रोड साफ करती है. द गर्ल सेड. लड़की ने बोला, मेरी मम्मा यहाँ पे क्या करती है? रोड को क्लीन करती है. पॉइंटिंग टू अ लेडी स्वीपिंग द रोड. उस औरत की तरफ इशारा करते हुए बोला. डोंट यू गो टू स्कूल? आस्क्ड लीनास मदर. लीना की मदर ने पूछा, क्या तुम स्कूल नहीं जाती हो? वी डू नॉट हैव मनी टू बाय द बुक्स, रिप्लाइड द गर्ल. गर्ल ने कहा, हमारे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं हैं. सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आप लोगों को भी इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़ना है. इस चैप्टर से हमें काइंडनेस का मोरल समझ में आएगा. हम किसी को खुशी कैसे दे सकते हैं? हम तो बहुत खुश हैं क्योंकि गॉड ने हमें वो सारी चीज़ें दी हैं जो हर किसी को मिलनी चाहिए. बट स्टिल हम यहाँ अपने आसपास देखते हैं काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास सब कुछ नहीं होता है. ये चैप्टर हमें कुछ बहुत अच्छा शिक्षा देगा. डू रीड दिस चैप्टर टिल हेयर द गर्ल. रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक.